फोन पे भी सबसे बात करने का मौका मिलता है, तो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, क्योंकि जो सामान्य है उसको सिर्फ टेक्निक सिखानी होती है, इसको तो जीना भी सिखाना होता है जी। इसलिए ये वाकई बहुत बड़ी साधना है जी, और इसलिए मैं तो मानता हूँ कि आप जो साथी ये काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अभिनंदन के अधिकारी हैं। सर अभी मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने का स्टार्ट करके 30 साल हो गया, इवन एथलीट एडमिनिस्ट्रेटर, हम एक टाइम में एक भी फ्लैग नहीं देखता था, अभी इंडिया का फ्लैग हम लोग को दिखने का स्टार्ट हो गया। हमारा खिलाड़ी का भी एक पैरा स्पोर्ट्स का वजह से हम मेडल जीत सकता बोल के आ गया। हम लोग कब पार्टिसिपेट करता था, उस टाइम में सोचता था पार्टिसिपेट करना है, अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड अगेन आपको मैं बहुत धन्यवाद बोलता सर, मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। एंड अगेन सर, इंडिया एबल बॉडी में भी हम अच्छा मेडल लेके आ सकता है, इसलिए मैं ईस्ट जर्मनी में था, केन्या में भी था, इंडिया में आजकल वेरी गुड फैसिलिटीज है, वो ठीक से यूज करना है, फिजिकल एजुकेशन टीचर को एक्टिव कर दिया तो 100% हम अच्छा मेडल लेगा सर। थैंक यू सर। सर मेरा नाम निषाद कुमार है और मैं T47 हाई जंप से हूँ और मैंने बैक टू बैक पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने हम टोक्यो के लिए टीम वहाँ पहुँची थी तो वहाँ कोविड था, तो उस टाइम ऑडियंस के बगैर हमने कॉम्पीट किया था, तो अभी हम पैरालंपिक्स में पेरिस में खेले तो वहाँ पर एकदम पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, तो जिस दिन मैं कम्पीट कर रहा था पूरी ऑडियंस इंडिया के इंडिया इंडिया नाम से चला रही थी, तो वो बहुत हमें मोटिवेट मिला, उससे पुश मिला अपनी परफॉर्मेंस को और मेडल डिफेंड करने के लिए। और अगले दिन मेरी मेडल सेरेमनी थी और वहाँ पर मेडल के बाद मैं अपने दूसरे टीम मेंबर्स को हाई जंप में सपोर्ट करने के लिए पहुँचा तो मेडल मेरे गले में था, और उस टाइम फ्रेंच फैमिली मेरे को देख रही थी कि कल हम इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे, आज ही हमारे बीच में बैठा है, और ये काफ़ी टाइम से वो मुझे देख रही थी कि हमें कब मौका मिले इस खिलाड़ी के साथ फ़ोटो लेने का। तो जैसे ही कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी फ़ोटो के लिए मैं नीचे गया फोटो के लिए, और उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी तो उनके बच्चे थे साथ में छोटे छोटे, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो ली और उनके हाथ में बच्चों के हाथ में मेडल दिया, वो आई थिंक 6 से 7 साल के होंगे, तो वो बच्चे मतलब एकदम मायूस हो गए कि मेडल हमें देखने को मिल रहा है, कल हम इस खिलाड़ी के लिए चेयर अप कर रहे थे और आज हमारे बीच में खड़े हैं और फोटो ले रहे हैं हमारे को। तो उनकी मम्मी ने मेरे को बोला कि हमारा यहाँ पेरिस में आना कॉम्पिटिशन देखना ये सक्सेसफुल होगा कि आप हमारे बीच में हमारे बच्चों के साथ फ़ोटो ले रहे हो और उनको ऑटोग्राफ दिया आपने, तो वो फैमिली पूरी खुश होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मतलब बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2 बार, तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, NCOEs हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप PM का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप PM का मतलब है परम मित्र। वाह, मुझे ये पद आपने दिया बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं जी सच्चे अर्थ में एक मित्र के रूप में आपके साथ काम करता रहूं। सर मेरा नाम नवदीप है। सर मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूँ सर, दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर, तो जैसे ही मेडल सर आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर, जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे,
देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए, और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने का। वाह, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं रक्षिता राजू विजुअली इम्पैर्ड एथलीट है। ये मेरा पहला ओलंपिक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ एंड आई एम टू टाइम्स पैरा एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं थैंकफुल टू माई गाइड रनर्स एंड माई कोच राहुल बालकृष्ण सर, वो इधर ही है मेरा साथ। विदाउट गाइड रनर आई कॉन्ट रन। आई फील वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली 2028 आई विल गेट गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। My guide runners and my coach motivated a lot of me. I'm very, very thankful because morning and evening, without any expectation, mera saath time spend karega. My bahut bahut dhanyawad sir. Wow. Chaliye saathiyon, mujhe bahut acha laga aap sabse baat karne ka avsar mila. Is baar aap log jab gaye, tab main फिजिकली तो मिल नहीं पाया था क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे थे और समय की भी कुछ कठिनाई थी, तो मैंने वर्चुअली भी कोशिश की कि आप सबसे बात करूं। और उस दिन मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था मैं आज आप लोगों को देशवासियों का एक संदेश देने आया हूं। और मैंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है विजयी भव। आपने देशवासियों की जो भावना थी ना, उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जरा ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है, और वो मैं देख रहा हूँ कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है, किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा, हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं। और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला, तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है, ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले, वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं, वो हमें मंजूर नहीं है, दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं, ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर, वो खेलते हो ना खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है,
तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहां जाना, वहां जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूं। क्योंकि अब आपके लिए भी, सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है, व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। हर एक को लगता है, अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए, मैं बैठा हूं वो खड़े हैं, मैं खड़ा हो जाऊं उनको बिठा दूं, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है, और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है, लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है, और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है, क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था, वो मुझे दृश्य यहां नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूं, आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।